अस्सलामु अलैकुम, आई होप यू आर ऑल गुड। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी डार्क नेक का सॉल्यूशन, कैसे आप अपनी डार्क नेक को बिल्कुल वाइट बना सकते हैं इसके एक दो एप्लीकेशन से ही। ये एक तरह से होममेड ब्लीच है जो इतनी अच्छे तरीके से वर्क करेगी आपकी डार्क स्किन के ऊपर, और जो इसमें चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो भी इतनी कॉमन चीज़ें हैं कि नॉर्मली हर घर में होती हैं। हमारे फेस का कलर तो नॉर्मली बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब हमारी गर्दन की बात करें तो उसका कलर हमारे फेस से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा होता, जो कि एक अच्छी बात भी नहीं है। अगर आप उसकी ज़्यादा अच्छे से केयर नहीं करें ऐसा तब ही होता है। हम लोग अक्सर इस पार्ट को इग्नोर कर देते हैं, बट आज की रेमेडी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये जब आप 2 से 3 बार ही अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। इसके लिए जस्ट सिंपल आपको बेसन चाहिए, बेसन नॉर्मली हर घर में होता है, आपकी गर्दन के लिए इनफ है 1 चम्मच। ये रेमेडी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, आपने वीक में इसको 3 दफ़ा मस्ट अप्लाई करना है। सिर्फ 3 एप्लीकेशन से ही आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा और ये गारंटी है। बॉयज़ अक्सर बाइक चलाते हैं और उनकी गर्दन का कलर तो बिल्कुल ही और होता है, क्योंकि बॉयज़ तो बिल्कुल ही कोई परवाह नहीं करते अपनी स्किन की। गर्ल्स को फिर भी काफ़ी हद तक होता है कि ठीक है हमने अपनी स्किन की केयर करनी है, बट बॉयज़ बेचारे इस मामले में बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सुस्त हैं, वो ऐसे हैं। तो बॉयज़ ये लाजमी ट्राई करें। अच्छा, ये यहाँ पे मैं ले रही हूँ लेमन पील पाउडर, अगर आपके पास ऑरेंज पील पाउडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल आपने ऐसे करना है कि नींबू के छिलके या आपने माल्टे के छिलके सुखा के उसके बाद उनका पाउडर बना लेना है। अभी विंटर है, सर्दियाँ आ गई हुई हैं, तो आपने ऐसा करना है कि जो माल्टे के छिलके हैं ना उनको आपने फेंकना नहीं है, वो आपने धूप में सुखा लेने हैं। उसके बाद जब वो कड़क हो जाए ना तो आपने उसको पीस लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, और वो पाउडर आपने किसी भी जार में एयर टाइट जार में आपने उसको रखना है, वो ख़राब बिल्कुल नहीं होगा, वो आपने यूज़ करना है। वैसे तो मार्केट से भी मिल जाता है ये आराम से पाउडर, ये मैंने खुद घर में बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, अगर नहीं तो आप मार्केट से भी इसको ले सकते हैं, बट अगर आपने नहीं यूज़ करना तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, ये ना यूज़ करें। थर्ड नंबर पर हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। अच्छा, ये मस्ट है जी, ये आपने नहीं छोड़ना, ये बेकिंग सोडा ज़रूर आपने ये लेना है। ये आपको 10 रुपये का आराम से मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आप ले लें, अगर आपने ज़्यादा नहीं ले के रखना तो थोड़ा सा भी ले सकते हैं, ये 10 रुपये का आराम से मिल जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर दे दूँ कि आपने इस रेमेडी को अपने फेस के ऊपर अप्लाई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक तरह की ब्लीच होगी, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ना तो कोई और इसे यहाँ पर डाल के मुझे ना गालियाँ देना, इसलिए आपने इसको अपनी नेक पे अप्लाई करना है, ठीक है। हाथों और पाँव पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फेस के लिए इंशाल्लाह मैं अपनी किसी वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी फेस की ब्लीच, वो भी घर में कैसे आप बना सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपको चाहिए होगा लेमन जूस। लेमन जूस बहुत अच्छा ब्लीचिंग एजेंट है, ये आपकी स्किन के टेक्स्चर को भी इवन बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। 1 लेमन आपने इसमें ऐड करना है, लेमन का जूस। इंशाल्लाह आपको इस रेमेडी से बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, अब जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया, जल्दी से शाबाश जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। इसमें 1 फुल लेमन जूस ऐड कर देंगे। अच्छा, इस रेमेडी में आप जस्ट एक चीज़ छोड़ सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो, लेमन पील पाउडर। इसके बाद आपने कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी, बेसन, बेकिंग सोडा, लेमन जूस और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है मिल्क। अच्छा, आपने मिल्क तब ऐड करना है जब अगर आपको लगे कि उसकी ज़रूरत है तो, अगर लेमन के साथ इनफ हो गया काम, आपका पेस्ट अच्छे से बन गया तो फिर आप उसमें मिल्क ना ऐड करें, क्योंकि आपको इसके बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, आपने इसको इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है कि वो आपकी नेक के ऊपर स्टे कर जाए। अच्छा, ये देखें, आपको बिल्कुल आप सामने देखें कि ये अब बबल्स इसमें बनना स्टार्ट हो गए हैं, जैसे हम ब्लीच में हमारे वो होते हैं ना कि वो फूल जाती है और बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें सेम ऐसे हो रहा है, और ये इसकी वजह से हो रहा है, बेकिंग सोडे की वजह से और लेमन की वजह से, ठीक है। अब ये देखें, ये आपने फेंकने नहीं है लीमू, इनको उनको बताऊँगी लास्ट में कि इनको आपने कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। ये देखिए, बबल्स आना स्टार्ट हो गए, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है।
वैसे हमें मिल्क की ज़रूरत थोड़ी सी तो पड़ती ही है, लाजमी पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा लेमन अगर आपने एक ऐड करना है तो वो इतना नहीं होगा कि वो अच्छे से पेस्ट बना दे। लेकिन आपने इसको पहले लेमन ऐड करने के बाद ही आपने मिल्क ऐड करना है, सारी चीज़ें इकट्ठी ना मिक्स कर देना। इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करते जाएंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे। जहाँ पे ये अच्छा पेस्ट बन जाएगा वहाँ पे आपने छोड़ देना है। अच्छा, मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी ताकि जल्दी जल्दी ये मिक्स हो जाए। अब ये देखें, ये इस तरह की आपको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, ना ही बहुत ज़्यादा पतला और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा। अच्छा, अब मैं इसको आपको डेमो देने के लिए अपने हैंड पे करके दिखाऊंगी। नेक पे तो ज़ाहिर बात है मैं नहीं कर सकती। ये देखें, आपने इसको ऐसे सिंपल तरीके से अप्लाई कर लेना, कोई आपने इसको रगड़ना नहीं है, स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं करनी इसके साथ अभी, ठीक है? अभी आपने सिंपल इसको ऐसे ही अप्लाई कर लेना है। अच्छा, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा रफ एंड बिल्कुल डल हो रहे थे तो मैंने दोनों पे अप्लाई कर लिया है। तो अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। आपने इसको 10 मिनट लाजमी रखना है। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर आपने ये जो लेमन का उल्टा पार्ट होता है ना, जो अंदर वाला इसका एरिया होता है, उसके साथ आपने स्क्रबिंग करनी है। ये देखें, ऐसे ही आपने अपनी नेक पे करनी है। अगर आपने वो हाथों पे अप्लाई कर रहे हैं या आप अपने पाँव पे अप्लाई कर रहे हैं, तो सेम आपने इसी मेथड से ही इसको रिमूव करना है। इससे आपकी डेड स्किन उतर जाएगी, आपकी स्किन जो बिल्कुल ही डल हुई पड़ी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसके बाद आपने नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना और ये देखिए रिजल्ट आपके सामने। आई होप आपको